नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कौन कौन सा पोस्ट है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे देखिए विभाग का नाम है असम राइफल्स जी हाँ दोस्तों, और भर्ती बोर्ड का नाम है असम राइफल्स। पद का नाम भी है जो है कि राइफल्स व अन्य पदों पे भर्ती होने वाली है। कुल पद जो है कि आपकी 154 पद है, बड़ी वैकेंसी 154 पद है, और जो है कि आपको वेतनमान भी बताया जाएगा। आगे आप लोग वीडियो में बने रहे। नौकरी का स्तर है राष्ट्रीय स्तर, पूरे भारत लेवल पे है, और श्रेणी है डिफेंस जॉब। ओके, आवेदन की प्रक्रिया जो है कि ऑफलाइन ही करना होगा। आवेदन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। ओके, परीक्षा मोड जो होगी वो है ऑफलाइन, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, और भाषा हिंदी ही रहेगी। नौकरी का स्थान है संपूर्ण भारत, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और देखिए इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है असम rifles.government.in। ठीक है, इसका आधिकारिक वेबसाइट कौन है, असम rifles.government.in पर जाकर के भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब इसके बाद जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पद है। तो देखिए राइफल मैन GD का पद जो है कि 94 है, और हवलदार क्लर्क के लिए 4 है, रेडियो मैकेनिक के लिए 4 है, और हवलदार ORL के लिए 37 है, बड़ी वैकेंसी है, और हवलदार अरमोरर के लिए 2 वैकेंसी है। कितनी 2 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए हवलदार लैब असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद राइफल NA के लिए जो है कि 5 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए राइफल मैन धोबी के लिए जो है कि यहाँ पे 4 वैकेंसी है, यहाँ पे 4 जो है कि वैकेंसी है। इसके बाद राइफल मैन आया के लिए भी 1 वैकेंसी, और कुल पद जो है कि 152 है या 154 इसी के नज़दीक है ना। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास है। आयु सीमा 18 से 25, आयु में छूट भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए अब सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 7वां वेतन आधार पर जो है कि प्रतिमा वेतन भुगतान किया जाएगा। 7th पे कमीशन के आधार पर जो है कि आपको सैलरी प्रदान की जाएगी, है ना। अब जो है कि हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सामान के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया, उसे नोटिफिकेशन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। OBC में भी चेक कर लीजिएगा, SC ST के लिए भी चेक कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन में। ओके, और अधिसूचना दिनांक देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कब है। तो देखिए अधिसूचना 3 फरवरी को ही जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू तिथि 3 फरवरी 2022 से ही, मतलब आज से ही आवेदन शुरू है। तो आज से अभी जाइए आप आवेदन सबसे पहले कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि जो है कि 12 मार्च 2022 और स्थिति जारी कर दी गई है। अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस शारीरिक मापदंड होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है, दस्तावेज सत्यापन होगा, और इसके बाद यहाँ पर देखिए चिकित्सा परीक्षण भी होने वाला है ना। तो दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।